हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईसा ईस्वी में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था आपका? तो श्री गुप्त कहलाता है। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे आपके? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त वन ने धारण की थी। महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त वन ने धारण की थी। ओके, श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक है और ये किसके सामंत है? कुषाणों के। महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? इसमें वन देख रहे हैं, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त वन ने धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो कुमार गुप्त से। ओके, भित्री स्तंभ जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो है बंधु वर्मन से, ठीक है। मंद बंध इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मंद सौर बंधु वर्मन, ठीक है। बंधु सौर मान बंधु वर्मन। ओके, किस शासक के दौरान, किस शासन के सॉरी गुप्त शासन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक भी था और गणितज्ञ भी था? तो वो था आर्यभट्ट। गणितज्ञ के साथ साथ खगोल वैज्ञानिक ही था। किसने कहा, कौन था वो? आर्यभट्ट था। और इसने भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित सबसे पहले इन्होंने भी दिया था, ठीक है। हालांकि न्यूटन का भी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड दिया हुआ है, लेकिन अगर न्यूटन और इन दोनों के बीच में ऑप्शन दिया रहा है तो सबसे पहले कहिएगा तो आर्यभट्ट, ठीक है। क्योंकि उस समय भारतीयों का वरीयता बहुत ही कम मिलती थी। ओके, जीरो के आविष्कारक भी आर्यभट्ट, ठीक है। एक अलग गणित का विषय बनाने वाला भी आर्यभट्ट ही थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त वंश का भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन, ठीक है। बी ए स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ओके, गुप्त वंश का वह शासक कौन था, राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हूनों को भारत में आक्रमण करने से रोका था स्कंद गुप्त ने, ठीक है। स्कंद गुप्त ने। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंद गुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति संबंधित है गुप्त काल से। ओके, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, ठीक है। कालिदास किसके राजकवि थे? विक्रमादित्य के थे, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। ओके, अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो देखिए, अजंता चित्रकारी अगर देखिएगा तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अजंता चित्रकारी जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन? उत्तर गुप्त
युग में यानी गुप्त युग के बाद वो कौन सा प्रसिद्ध हुआ, तो नालंदा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध हुआ जो कुमार गुप्त ने करवाया था निर्माण, गोपाल ने पल्लवी में करवाया था। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो भानुगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास रहता था। ओके, महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त वन ने। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ठीक है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ओके, मेगास्थनीज अशोक के समय में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन एज। फाहियान कहाँ का निवासी था, फाहियान निवासी था चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था, चीन का। सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, बकाटक वंश का शासक था। ओके, सेतु बंध की रचना किया था किसने, तो प्रवर सेन ने करवाया था सेतु बंध की रचना। और किस वंश से था ये, तो बकाटक वंश के था। ओके, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा गया है, कवि राज कहा गया है समुद्रगुप्त को। ओके, क्योंकि इसके हाथ में देखेंगे बीना उना रहेगा सिक्का बजा सिक्का में। ठीक है, जो सिक्का मिला है भारत में इसमें बजाते हुए मिला है समुद्रगुप्त का, तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। ओके, और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रपम कहा गया है, तो कहम स्तंभ में कहा गया है शुक्रपम। ठीक है, स्कंद गुप्त को किस में कहा गया, कहम स्तंभ में, स्तंभ में। राज्य श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। श्रीलंका के राजा कौन था, मेघवर्मन, कौन, मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण का कला सबसे पहले हुआ था गुप्त काल में। ओके, आज ये नया मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि मंदिर निर्माण का कला विकसित हो गया था गुप्त काल में। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसके लिए, कब धारण किया था, तो शकों के उन्मूलन कर दिया था तब, यानी इसका खत्म कर दिया था तब जाकर के विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, शकों को हरा दिया था। ओके, या हूनों को हराजित हरा दिया था, तो शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली जो आज दिल्ली में है स्थित लोह स्तंभ जो है, यानी लोहा का जो पिलर है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ था, तो किस सदी में हुआ था भाई, तो चतुर्थ सदी में हुआ था, चौथी सदी में हुआ था। मेहरौली स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ। फाहियान और ह्वेनसांग के राज्यों को देखा। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के देखा यानी विक्रमादित्य को कहते हैं, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन को देखा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
धन्वंतरी थे क्या? एक चिकित्सक था, ठीक है, जो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक था, ठीक है। धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ओके, लिच्छवी वगैरह था जो, वैशाली, ये सब गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। फायान द्वारा रचित फो कुं की में किसका विवरण नहीं मिलता है? देखिए, इसका नहीं मिलता, बाकी बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों स्तूपों एवं विहारों का मिलता है, लेकिन इसका नहीं मिलता है फोको की में। बौद्ध राज्य का मिलता है, बौद्ध के राज्य में जो मंदिर स्तूप विहार है उसका भी मिलता है, और उनका जो उपदेश है ये सब मिलता है। ओके, सिद्धांत नहीं मिलेगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? गुप्त कला के लिए सर्वोच्च देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ओके, तो इसका भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था 16, 17, 18 नहीं बल्कि 19 का हुआ था, अजंता की गुफाओं में। ओके, अमरकोश के लेखक अमर सिंह है, किस शासक के दरबार से जुड़ा हुआ था? अमरकोश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जुड़ा हुआ था। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जुड़ा हुआ था। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है, चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है, गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो हूनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में किया था, या फिर अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो अपने राज्यारोहण यानी जब उसने सत्ता संभाली, राज्य का आरोहण किया, तब जा करके गुप्त संवत चलवाई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत क्यों चलाई? अपने राज्यारोहण के याद में, सॉरी दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। ओके, किसका था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पहुंचने के कारण। ओके, क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ का धम्मिक स्तूप गुप्त काल में हुआ था। ओके, किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है क्या? दीनार कहा जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है क्या? दीनार कहा जाता है। कुमार संभवव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवव किस कवि ने लिखा है? तो काली दास ने लिखा है कुमार संभवम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त ने करवाया था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? एक यानी उपज का छठा भाग था। ओके, उपज का छठा भाग था गुप्त काल में।
नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्रमित पतन यानी नगर का क्रमित पतन हुआ तो गुप्त काल में हुआ, ठीक है? किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किसने गांव सबसे ज्यादा दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव के गांव दान में दे दिया था? तो किसने दे दिया था? तो गुप्त वंश के शासन में दिया गया था। ओके, हाला सातवाहन ने सबसे पहले आरंभ किया था दान व्यवस्था चालू। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में स्थित जो प्रसिद्ध लोहा का स्तंभ है, पिलर है, वो किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त के यानी चंद्र के याद में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकानी मित्र नाटक के नायक कौन था? तो उस अग्नि मित्र था, या हाँ अग्नि मित्र था। ओके, कौन था भाई? अग्नि मित्र था। मालविकाग्नि मित्र के नाटक के नायक यानी राय कौन था? मालविकाग्नि मित्र। कुमार सम्भव भी लिखा है कालिदास ने। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में उपस्थित है, ठीक है? प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में अवस्थित है। किस काल में स्त्री और पुरुषों की बराबरी थी? गुप्त काल में। और इन्हीं के समय में बाल विवाह भी चालू हुआ था, ठीक है? बराबरी तो था, लेकिन साथ ही साथ बच्चे बाल विवाह का भी काल यही था। राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ कि कौन? तो कौन हुआ था? हूनों के आने के बाद गुप्त काल वाला जो हुआ था ये अत्यंत विचलित हुआ था। ओके, हून जब आक्रमण किया था तो अत्यंत यह विचलित हुआ। कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा है? कालिदास ने नहीं लिखा है। मालविकानी मित्र लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, अविक्रो वर्ष्यम लिखा है, तीनों लिखा है, ठीक है? बाकी जानकी हरण नहीं लिखा है। कालिदास ने क्या क्या लिखा है? मालविकानी मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्ष्यम। अगर पूछेगा कि सबसे पहले यूरोपियन भाषा में कन्वर्ट पहला साहित्य कौन था, तो ये मारिएगा, ठीक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रो वर्ष्यम भी लिखा क्योंकि कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी विक्रमादित्य, इसलिए विक्रमो वर्ष्यम भी लिखेगा। आप भूल सकते भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि कालिदास से चंद्र विक्रमादित्य के दरबार में था, तो विक्रमो वर्ष्यम यही ना लिख सकता है, एटलीस्ट कम से कम। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं या मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वो धार में है या बाघ में है, ठीक है? अजंता गुफाओं के जैसा या सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो है बाघ में, ठीक है? बाघ यानी धार कहा जाता है उस इलाका को, ठीक है? गुप्त वंश ने डैश अवधि शासन किया, कितना अवधि तक शासन किया था? 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है? लगभग। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, ठीक है? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के, तो इसमें अगर गुप्त काल दिया हुआ है, आप कुषाण काल दोनों दिया हुआ है, तो आप क्या मारिएगा?
गुप्त काल जारी किया, क्योंकि इन दोनों के तुलना कंपेयर करिएगा तो गुप्त काल में और ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चालू किया था हिंद यमन यानी इंडो बैक्ट्रियन ने, फिर इससे ज़्यादा इसने किया और इससे ज़्यादा गुप्त काल में किया गया। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान शकुंतलम, अभी जस्ट बताए थे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख, ओके। भानुगुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाना है, कौन सा होगा गुप्त वंश के इसमें से? सबसे पहले आया था कौन? श्रीगुप्त नहीं है तो चंद्रगुप्त वन मारिएगा। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आया, फिर समुद्र के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और फिर 5, ये वाला ई ऑप्शन हो जाएगा। और यही अगर बीच में घटोत्कच भी डालता, श्री गुप्त भी डाल देता तो कौन होता आपका? तो पहले होता श्री गुप्त, फिर घटोत्कच होता, फिर चंद्रगुप्त वन होता। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने ही महाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि। जिस गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भरतपुर बयाना। सर्वाधिक ढेर सारे सिक्के गुप्त काल के समय का मिला है। ओके, तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमार गुप्त वन में। ठीक है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त वन को माना जाता है। ठीक है, प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है, वो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ में, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। ठीक है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था पर्याप्त विस्तार हुआ इसीलिए कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, तो बी होगा। ए और दोनों सही है, सही तो है लेकिन इस कारण से नहीं किया गया था। ठीक है, प्राचीन काल में भारतीय उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पोर्ट यानी पतन से संचालित होता था गुप्त काल में? तो किसके समय में होता था? ताम्रलिप्ति। ठीक है, ये एक पोर्ट था ताम्रलिप्ति जहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ था। भारतीय उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पोर्ट से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति के जरिए होता था। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाता था। गुप्त शासक को द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं क्या? रूपक कहलाते थे। और मौर्य वंश में करसापन कहा जाता था कि पन कहा जाता था, पन पन कहा जाता था। और सीसा उषा का जो बना होता था करसापन कहा जाता था। सुमिलित 1-2 को करना है। ठीक है, दिशागदत्त क्या था? ये नाटक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बराह मिहिर क्या था? खगोल वैज्ञानिक था। चरक क्या था? चिकित्सक था। आप ब्रह्मगुप्त आप मार ही सकते हैं। ठीक है, डी का 4, सी का 1, ये है ऑप्शन, लग रहा है सी ऑप्शन है। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो वो था उज्जैन। कौन था? उज्जैन था। विद्या कला साहित्य का, विद्या यानी ज्ञान प्राप्ति, आर्ट और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। ठीक है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? किसमें होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृति में होती है? शाकुंतलम की होती है। ओके। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को जाता है। आर्यभट्ट ने किया था। कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। बिल्कुल नहीं, इनके अंदर में कोई कलह नहीं थी गुप्त वंश का। हाँ, बाकी हूनों का आक्रमण हुआ था जिससे वह विचलित हुआ। गुप्त वंश प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ओके। विद्रोह होता था, कलह नहीं। ठीक है। प्रांतीय शासक के छोटे छोटे प्रांतीय शासक था जिस कारण से वो कमजोर पड़ गया। जैसे छोटा छोटा इलाका लड़ने लगा आपस में, विद्रोह होने लगा, शासकों का विद्रोह हुआ जिस कारण से वो खत्म हो गया। फिर स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल होने लगी थी। ठीक है। इस कारण से खत्म हो गया गुप्त वंश। तो ये तीनों सही है, बाकी बाकी ये गलत है। कौन सा है जो ये गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है। जिसे ये कवि करने वाला भी इसे कहा जाता है, कविता करने वाला भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था? अब वीणा बजाते भी देखा गया समुद्रगुप्त को, जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में दिया था। तो वो था आर्य भट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे? तो चिकित्सा से है। ठीक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का सबसे पहले जारी किया था तो राम गुप्त ने जारी किया था। ओके। मिलाना है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? मेहरौली से संबंधित है। मेहरौली के लौह स्तंभ से संबंधित है जो विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया था। ओके। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ से है और पहाड़पुर से बुध गुप्त का है। कुमार देवी। ठीक है। मुद्रा का प्रकार है कुमार देवी का बना हुआ था चंद्रगुप्त वन का। ओके। बिना बिना वादन प्रकार करते हुए समुद्रगुप्त का था। चक्र विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए विक्रमादित्य के विक्रम जुड़ा हुआ ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये आप भूल भी नहीं सकते। कार्तिकेय का प्रकार है कुमार गुप्त ने जारी किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है आपको। चंद्रगुप्त वन की उपाधि महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्र समुद्रगुप्त व समुद्रगुप्त की किस क्या धारण किया था? समुद्रगुप्त ये अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। ठीक है। क्या धारण की थी? अश्वमेघ पराक्रम की समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। परम भागवत या विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया। स्कंदगुप्त ने शुक्रकोंग की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त वन किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त वन
कुमार देवी यानी लिच्छवी की ए चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? वनका यानी कुमार देवी जो लिच्छवी की थी, ठीक है, कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम जो तामा का सिक्का चलवाया था रामगुप्त ने, ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, ठीक है। और रुद्रसेन द्वितीय की देवी पत्नी प्रभावती गुप्त थी। ऑप्शन ए। गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की थी, किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। दक्षिणा पथ में 12 राज्यों को धर्म विजय किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। सर्व राज्योक्षेत्रता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने का उपाधि किसने धारण किया था? तो किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था। धर्म विजय किया, समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को हराया और सभी राज्यों को यानी फेंक दिया, जिसे सर्व राज्योक्षेत्रता कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया, उसकी हत्या करके शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। यानी शकों को क्या कर दिया था? रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया और फिर गुप्त वंश की स्थापना कर दी शक को हरा करके। रचनाकार और प्रवर रचनाकार कौन है, रचना क्या क्या यह बताना। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना किया है। धन्वंतरी ने नवनीत कम को जो चिकित्सा संबंधित है बुक। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत किया था, ठीक है। रचनाकार ब्रह्मगुप्त का रचनाकार कौन है? ब्रह्म सिद्धांत है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त की रचनाकार कौन है? भले रचना क्या किया था ब्रह्मगुप्त ने? ब्रह्म सिद्धांत किया था। आप बराह मिहिर पंच सिद्धांत की रचना किया था, रचनाकार बराह मिहिर के रचनाकार कौन है? तो पंच सिद्धांत लिखा था। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर उससे गुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, और इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर था कौन? उससे गुप्त, ठीक है, ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दमन ने करवाई और दूसरी बार मरम्मत स्कंद गुप्त ने करवाए। ओके, रुद्र दमन तृतीय को मारा था, मार करके यानी शक वंश को खत्म करके गुप्त वंश की स्थापना किया किसने? श्री गुप्त ने। ओके, भुक्ति का मतलब होता है प्रांत। ओके, जिसका प्रशासक को क्या कहा जाता है भुक्ति का? तो उपरीक कहा जाता है, उपरीक, भुक्ति का उपरीक। ओके, प्रांत का उपरीक होता है, प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं। विषय का मतलब होता है जिला, विषय का विषयपति शासक होता है, प्रशासन संभालता है। नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक करता है। ऑप्शन ए। महासंधि विग्रह किसे कहता है? संधि, संधि किसमें होता है? युद्ध नहीं हो शांति बना रहे, तो युद्ध एवं शांति के मंत्री को महासंधि विग्रह कहा जाता है। महादंडनायक सेना के सर्वोच्च अधिकारी को विनय स्थिति दे धार्मिक यानी विनय दिमाग से काम ले धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी को कहते हैं। महास्वपति गज सेना का अध्यक्ष था। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहते हैं।
वास्तु भूमि, निवास योग भूमि को अपहृत भूमि, जंगली भूमि अखिल भूमि कृषि के लिए सही नहीं हो जो भूमि, ठीक है, अनुपयुक्त भूमि खेल भूमि कहलाता है आपका ऑप्शन ए। कौन सही है ये बताना, सही नहीं ये बताना। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किससे संबंधित है ये बताना है। देखिए मृक्ष कटकम यह सुद्रक से संबंधित है, ठीक है। दस कुमार चरित दंडिन से संबंधित है और किरातर किरातर जूनियम भारवी से संबंधित है। किरातर जूनियम भारवी से संबंधित है। ऑप्शन नीचे का तीनों सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है। कौन सही नहीं ये बताना है आपका 85 में। बागभट्टी अष्टांग हृदय से संबंधित है। कामंदक ने नीति सार लिखा, बागभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा। बागभट्ट ने क्या लिखा? अष्टांग हृदय। कामंदक नीति सार लिखा, कामंदक ने नीति सार लिखा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। हाँ, विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा भरती हरि ने मेघदूत, गलत है। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा डी, ठीक है। सांची सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सृष्टि सृष्टि साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी को कहा जाता था। सार्थवाह जो था व्यापारी को कहा जाता था, ठीक है। फिर कुलिक था जो शिल्पी, कुलिक शिल्पी वो भी कहा जाता था, ठीक है। और कायस्थ जिसे लेखक को कहा जाता था। कायस्थ किसे कहा जाता था? लेखक, कुलिक शिल्पी को कहा जाता था या कारीगर को कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी को कहा जाता था। साहूकार को सृष्टि कहा जाता था, ठीक है। मिहिर कुल का संबंध किससे है? हूनों से है। मिहिर कुल का संबंध किससे है? हूनों से है, ओके। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? कन्नौज का महत्ता प्रदान किया था मौखरी, ओके। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान किया था किस कौन था? तो वो था मौखरी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। वो कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, ठीक है। और कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा का स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? अपनी लोहा जंग जो नहीं लगता है ना, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, उसकी जंग रोधकता के कारण, ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के दो उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाओं में उपस्थित है। फिर से सुनिएगा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध है, ठीक है। गुप्त काल से संबंधित जो गुफा है चित्रांकन में दो वो एग्जाम्पल दिया हुआ, इनमें से एक अजंता गुफा है, ठीक, ओके। और फिर गुप्त काल का चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण यानी दूसरा एग्जाम्पल कौन है? तो वो बाघ है, ठीक है। पुंडवर्धन यानी भुक्ति, पुंडवर्धन भुक्ति जिसे प्रांत भी कहते हैं, अवस्थित है कहाँ? तो कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित कहाँ है? उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित है?
उत्तर बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें 91 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है इस छोटे से चैनल को बढ़ने में।